नवी मुंबई बेलापुर पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है। पकड़े गए आरोपी ने अपने दोस्त को तालाब में धक्का मारकर मौत के घाट उतार दिया था। पकड़ा गया आरोपी मुंबई का रहने वाला है। मामला नवी मुंबई बेलापुर का है, जब पारते खेल में एक युवक का शव मिला था। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए सीबीडी बेलापुर पुलिस लगी हुई थी, लेकिन तिलक नगर पुलिस ने सीबीडी बेलापुर पुलिस की मुश्किलें आसान कर दी और इस तरह नवी मुंबई बेलापुर पुलिस का काम आसान हो गया और अज्ञात युवक के मौत के राज से पर्दा उठ गया। तिलक नगर पुलिस थाने में प्रतीक शिरसाट नामक युवक के गुमशुदा होने की शिकायत दर्ज करवाई गई थी, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने जब तफ्तीश की तब ये पता चला कि उसको अक्षय साबले के साथ देखा गया था। जब अक्षय से पूछताछ की गई तब जो राज सामने आया वो ये था कि मामूली झगड़े की वजह से प्रतीक को पानी में धक्का मार दिया गया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। नवी मुंबई पुलिस ने आरोपी को बुधवार को मुंबई पुलिस से ट्रांसफर कर लिया, जिसके बाद आरोपी को अदालत में हाजिर किया गया, जहां अदालत ने आरोपी को तफ्तीश के लिए बेलापुर पुलिस को सौंप दिया है। पकड़े गए आरोपी के विषय में बेलापुर पुलिस थाने के पुलिस अधिकारी श्री काने ने विस्तृत जानकारी दी। 19/6/2013 में अपने पारसी खिल के डैम में इसकी बॉडी मिली थी, अनआइडेंटिफाइड थी। उसके रिलेटिव जब पता लगाने लगे तो उनको मालूम पड़ा सीबीडी पुलिस थाने में एक अनआइडेंटिफाइड बॉडी है। उन्होंने 22 तारीख को बॉडी वेरीफाई किया, उनके लड़के की थी और उन्होंने तिलक नगर पुलिस थाने में कंप्लेंट दे दिया, वहाँ से ही आ गए। ढकेल दिया ऐसे बोलते, रात को उसको हिरासत में लिया। पकड़ा गया चेंबूर का रहने वाला। क्या नाम क्या आरोपी का? अक्षय जगन्नाथ साबले। क्या किस पैसे से जुड़ा है सर, ये क्या काम करता है? कोई ना ऐसे है।